इस आदमी को चलानी कम आती है पर चालू है कहीं। मेरी बात सुनो, बाइक के बजे इनके हिसाब से यूं हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, मोटो जीपी वाले ब्लॉग के बाद सीरीज जो लास्ट वाली रह गई थी जिसमें अपना मार्को जीता था, मार्को बेजेची। और आज है दिवाली, तो सबसे पहले सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली भाई। जयश अपना हैप्पी दिवाली तो कर रहा है, पर भाई पहले भाई की बाइक देख लो। भाई ने नई बाइक ली है अभी ट्रायम्फ की, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं पीछे से। ट्रायम्फ के लिए इसने स्पीड 400 और ये रही अपनी लाल परी, क्या ही गजब लग रही है भाई। मतलब जो अपने अपन वीडियो वगैरह में देखते हैं वैसे और सामने से पर्सनली देखें तो गाड़ी में बहुत डिफरेंस है, बहुत पावर भी अच्छी है, काफी स्टेबल गाड़ी है। और आप लोगों को अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट करना, संदीप भैया पर्सनल वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है हाँ भाई, आप लोगों को अगर इस गाड़ी के बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो एक पर्सनल व्लॉग इसके लिए भी बना देंगे अपन, जो कि गाड़ी की स्पेसिफिकेशन और इसके बारे में होगा। और आज संडे राइड है हमारी लाल परी, तो इतने टाइम बाद भी वैसी की वैसी लगती है। और हम इंतजार कर रहे हैं हमारे दोनों बाकी राइडर्स का जो कोटा में हमेशा अपने साथ राइड करते हैं, वही लेट हो गए अभी। एक भाई का हम इधर से कर रहे थे इंतजार और वो इधर से आ गए। अच्छा लवेश तो अब आएगा भैया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा आपका चैनल ये आने दो, उसको भी इंतजार कर लो, 5-7 मिनट कह रहा है। तो ये हमारे संदीप भाई, हाँ दिख नहीं रहे जो अभी आप ही दिख रहे हो, बस नहीं दिखाना। आपकी दिखानी है। हेलो ये है इनकी, देखो ना। हाँ सुनाई भी नहीं दे रहा इधर आने तो। बहुत एयर बाइक हो चुकी है अभी, बहुत अच्छी बाइक है। और इसके अलावा ये है हमारे जयेश भाई जो कि जयपुर से आए हुए हैं संदीप के साथ में, रहते कोटा, कोटा ही रहते ना, रहते कोटा है। आज हम सेकंड टाइम मिल गए थे, देख रहे हो भाई भी व्लॉग बना रहा है अपनी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सब भाइयों को भी। चलो पहले तो कराते हैं फ्यूल अप, फिर चलते हैं आगे। ये आ गया अपनी गाड़ी में पेट्रोल। अरे की चेन फंस गई, की चेन तो क्या स्ट्रिप की चेन की, दोस्ती गहरी कर ली शायद भाई ने जेस से। ये रे दिख नहीं रहे साइड में, चलते हैं अब बिंदास ड्राइव करते हैं। लवेश तो पता नहीं कौन आ जा, पता नहीं कौन से जोश में आगे चला गया, जबकि उसको भी फ्यूल अप कराना था, पता नहीं किस जल्दी में था। चुपचाप चलो, थोड़ा सा भी हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आए क्योंकि आचार संहिता चल रही है और उसमें पुलिस की चेकिंग होती है, तो क्या पता एग्जॉस्ट के लिए कुछ बोल दें। वैसे तो आते वक्त कोई इशू नहीं आया था जयपुर से कोटा, और अभी भी आज तो दिवाली है ही सही। अलाउ कर दे क्या पता पुलिस। जैसे जैसे हाईवे की तरफ जा रहे हैं ठंड बढ़ रही है, ठंडी हवा लग रही है ज़्यादा, सिटी में तो नहीं लग रही थी, अभी 7 बज चुकी थी निकलने में, हमें आज लेट हो गए ये भाई साहब की वजह से। और ये आगे वापस उल्टे आ जाओ, रुकवा रहा है, क्या सीन हो गया, सुनते हैं देखें क्या कह रहा है। ऊपर कैसे लग रहे हैं यार, चोंच बार रखी है दोनों की। इसकी कमी रहेगी है 9, 10, 2, 11 ले लियो, 10 है ना आपका। हाँ। चलो भाई फिलहाल हम रुके हुए, लविश ने हमें रोका हुआ है, फ्लाई बाय देना है। Oh
जाने दो हमें। मजा आ गया यार इतने दिनों बाद 190 टच करके। अभी फ्यूल अप करवा लेते हैं, तब तक हम करते हैं मटर गश्ती और फोटोज थोड़ी स्नैप्स ले लेते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, है? मेरा ग्लव्स बड़ा हो जा तू बड़ा। रुक जा, एंगल नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ज्यादा नीचे बैठ गया। यूं रखा मेरा कैमरा, देखो मेरी बात सुनो, बाइक के पोजीशन के हिसाब से यूं दिख रहा होगा भी आप लोगों को। ये 14-13 कर रहे हैं। ये रही अपनी बाइक, सपन रेडी हो गया, फ्यूल अप हो गया लविश। और ये देखो इसको, छोटू को हमारे पहले ब्लॉग में आता था हमारे सिर्फ नॉर्मल, और अब बाइक के ब्लॉग में भी आएगा। पता नहीं आगे राइड करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा राइडिंग गियर क्या है, डिमोटिवेट क्यों कर रहा है भाई को तू? कहाँ कर रहा मैं? अगले से तो पूछ रहा हूँ। रहेगा मेरे साथ कोटा में, राइड करके राइड करेगा। कोटा रहेगा क्या तू? कहाँ रहेगा? कोटा, जयपुर। कोटा धोखेबाज रे, हाय भग जाए यहाँ से, हम शरण में ले लेंगे इनको। हाँ ठीक है, चलो अभी जल्दी, भूख लग रही है, 1.5 घंटे ऊपर हो गया उठे हुए। भाई अभी कोटा क्रॉस नहीं किया तो भूख लग रही है। भूख लग रही है यार, 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। तो सोच रहा था तलवंडी पोहे खा के जाऊं। तो अभी राइड स्टार्ट की नहीं है, लोगों को भूख। तो अब चलते हैं अपन, फ्यूल अप हो गई है सारी गाड़ियां, थोड़ा सा 30-40 किलोमीटर की राइड करते हैं। एक तो सर्दियों के टाइम पे फॉग जम जाता है अंदर वाइजर में, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। चलो चले मितुआ, क्या हो गया लवेश भैया? सनराइज भी हो चुका है गाइज, और अभी हम लोग हवा डालने के लिए रुक गए। अपने तो शायद बाइक में है अभी हवा, एक बर्नआउट मारा था MNIT के इवेंट में, उसका ब्लॉग बनाना भूल गया मैं, GoPro ही भूल गया, और मेरे साथ जितने भी राइडर्स गए थे वो सब भूल गए, तो हम बना नहीं पाए। और यार इस बाइक के तो क्या ही कहने, बड़ी प्यारी लग रही है छोटी सी। पहले मेरे पास ड्यूक थी 390, ड्यूक नहीं RC थी, इससे पहले ड्यूक 200 थी, तो इससे भी अब नया फेसलिफ्ट वर्जन या जो भी बोलते हैं उसको नया आ गए अपग्रेड बाइक में, जो कि काफ़ी अच्छे लुक्स को एनहांस कर रहे हैं ड्यूक के नई वाली। क्या हुआ, नहीं मिला? आ रहा है अभी, हवा डालने वाला आ रहा है। 10 hour में हवा डालाते हैं और थोड़ी हवा में से बातें कराते हैं इसको, इस आदमी को चलानी कम आती है पर देखे कैसे हाथ जोड़ता है। ये लवेश के आगे तो हमेशा डरते हैं ये, खौफ दिखाओ इसको एक बार, दिखा दो। हाँ देखो, पोहे खा ले क्या? उनको भूख लग रही है। अरे वहाँ खाएंगे भाई। अरे पता नहीं कब पहुँचेंगे, चक्कर आ जाएंगे गाड़ी पे चलाते चलाते। अरे पराठे नहीं पोहे खाने, क्या चक्कर आ जाएंगे यार। कौन से पता नहीं टॉयलेट करने जाया है वो तो नहीं है जो मटक मटक के अब जा रहा है, जब वो आ रहा है। हमारे पुराने मित्रों का अड्डा, राइड करके रुक के नाश्ता करने के लिए। शायद बंद है, नहीं खुला हुआ है, इस टाइम तक तो खुल ही जाना चाहिए यार, 8 बज रही है अभी। रो रहे हम सामने, ऐसा मत बोलो यार, बंद है, देख के तो आते हैं, हम आ गए हैं। बंदे बंदे।
और ये बंद है। तो गाइस ये जगह तो मिली अपने को बंद, अभी शायद भाई लेके जा रहे हैं कोई नई जगह जहाँ ये इसके अलावा ऑप्शन होता है तो वहाँ रुकते हैं। अब वहाँ चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। न्यू शेखावटी करके बता रहे हैं ये, न्यू पे तो ऐसा जोर डाला है मैंने, न्यू पे आराम आराम चलते हैं अभी धीरे धीरे इनके पीछे। ऑप्शन ही क्या बचा अब, चलना ही पड़ेगा। चलो चलो लवेश भैया चलो। फ्री वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, खोलो तो सही तब तो दोगे, बंद कर रखा है। हमने करी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, अब हम जा रहे हैं पोहे खाने, पर हमारी गाड़ी हो रही है डिसबैलेंस छोटे छोटे पत्थरों पे। अब हम खाएंगे पोहे चल के राधिका पे। भाई के चला गए गाड़ी की सीट को और अभी हम लोग हो गए फ्री, नाश्ता करके वापस जा रहे हैं घर की तरफ अपने। काफ़ी सारे काम है अब घर जाके वो करेंगे, और अभी शायद भाई को लगाना अपना इंस्टा 360 जिससे कि वो क्लिप्स लेंगे दो चार अपनी रील्स के लिए। हम भी चलते हैं अब। आगे रुकोगे, इसको क्या हो गया, कैसे धीरे हो गया। वहीं रुक के कर लेते यार ये काम तो। क्या हो गया हमारे छोटू की गाड़ी में, क्या आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं नहीं ये सुनो, अरे हाई बीम करते ही ये बंद हो गया। हाँ, लाइट्स मीटर की लाइट कम हो गया। हाँ तो हो गया। और अभी हम आप लोगों को सुनाते हैं टेनर की आवाज, टेनर न्यूट्रल ले ले, ब्लॉक से ले ले। तो अभी सुनते हैं अपन टेनर की आवाज। काफी लाउड है भाई, कान हिल गए मेरे तो हेलमेट के अंदर इतनी पास से। चलो अभी चलते हैं, अब लेट हो रहे हैं काफी, और थोड़ा रील्स वगैरह के लिए कंटेंट शूट कर लेते हैं। तो फाइनली इतनी देर की मेहनत के बाद इंस्टा 360 लगाई लिया, और अब मुझे पीछे रखा गया है कि ध्यान रखो मैं इंस्टा 360 उड़ ना जाए। भाई इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म करने का हो गया है टाइम, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बस कोटा 2 किलोमीटर के बाद ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी भाइयों को सेफ हैप्पी दिवाली, और राइड हार्ड राइड सेफ, टेक केयर, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।